स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। आज हम बात करेंगे पीआर की। पीआर का मतलब है परफॉर्मेंस रेशियो। परफॉर्मेंस रेशियो किसी भी सोलर प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जहां पर मैं आज आपको लेके जा रहा हूं प्लांट पे, वो 150 किलोवाट का प्लांट है और वहां पे जो पीआर है वो मीट नहीं कर रहा, यानी कि जो परफॉर्मेंस रेशियो है उसकी, जो कंपनी ने क्लेम करी थी कि हाँ भी हम मिनिमम आपको इतना देंगे ही, तो वो हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है ये हम रेक्टिफाई करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यहाँ पर दो टीम जा चुकी हैं और उनको रेक्टिफाई वो नहीं कर पा रही हैं, इसकी वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जो परफॉर्मेंस हमारी जो है हमने क्लेम करी थी वो नहीं आ पा रही है। और परफॉर्मेंस रेशियो होता क्या है ये आपसे बात कर लेता हूँ मैं। परफॉर्मेंस रेशियो ये होता है कि जितने भी हमारा सोलर प्लांट का हमारा सब कुछ है, जैसे हमारा सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, उसकी वायरिंग है, उसके अंदर जो हमारे DC/DC लगे हुए हैं, जो हमारी AC केबल है, DC केबल्स हैं, सबका जो लॉस मिलाकर और जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है मीटर के बाद में, या फिर हमको यूज़ करने के लिए जो मिल रही है, अगर हम ऑन ग्रिड की बात करेंगे जो मीटर में हमारा कैलकुलेट हो रहा है वो, और अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करेंगे जो हमको डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए मिल रही है, जो हमको है हमारे लिए, तो वो जो टोटल परफॉर्मेंस है उसकी, टोटल कैपेसिटी बाय टोटल हमको कितना मिल रहा है, वो है हमारा परफॉर्मेंस रेशियो। तो परफॉर्मेंस रेशियो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर सनलाइट कैसी है, सनलाइट इरेडियंस, यानी कि टेक्निकली उसको हम बोलेंगे तो उसको इरेडियंस बोलेंगे हम। और अगर हम उस अपने लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो वहाँ पर जो धूप है वो कैसी आती है, वहाँ पे हमारा लैटिट्यूड कैसा लगा बना हुआ है, और हमारा जो सोलर पैनल जो इंस्टॉल्ड है वो सही एंगल और सही वो डायरेक्शन में है या नहीं है, ये मैटर करता है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है हमने जो क्लेम करी थी वो करी थी हमने 92%, और अभी जो है वो आ रहा है 82% आ रही है। तो 82 और 92 यानी 10% का जो हमारा है वो डाउनफॉल हो गया है, नीचे आ गया है। क्या है रीज़न इसके पीछे वो मैं आपको बताऊंगा। और चलते हैं साइट पर। अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आए मेरे तो लाइक कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि अगर फर्दर मेरे वीडियोज़ जो आएंगे तो वो भी सोलर से रिलेटेड ही होंगे, और अगर आपको वो वीडियोज़ नहीं मिस करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। क्योंकि कई बार मेरे व्यूअर्स मेरे से पूछते हैं कि सर ये वाला जो है टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ, फिर मैं उनसे बोलता हूँ मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप ये पूछ सकते हो, सोच सकते हैं आप पूछते कैसे, तो कई बार तो कमेंट करके पूछ लेते हैं, कई बार मेरे को व्हाट्सएप कर लेते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है सोलर से रिलेटेड उसका मैं आपको आंसर करूँगा, आंसर करता हूँ बल्कि। तो मिलते हैं आपसे साइट पर। तो साइट पर हम पहुंच गए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सनगरों का इन्वर्टर है, और इसके अलावा ये जो इन्वर्टर है 110 किलोवाट का है, और इसके पीछे एक और इन्वर्टर हमारा यहाँ पर दूसरा, ये इन्वर्टर हमारा 20 किलोवाट का है। तो इसमें क्या कमी आ रही है वो हमको दिखाता हूँ, लॉग इन कर लिया है दूसरे डिवाइस से, और क्या इसका PR का इश्यू है ऊपर जाके चेक करेंगे। यहाँ पर ये दो डिवाइस हैं सनगरों के, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो इनको हम ब्लूटूथ से लॉगिन कर सकते हैं, ये इधर और एक दूसरा। आपको दिखाऊंगा इसके कितने स्ट्रिंग है और अभी कितना करंट हमारा इसमें बन रहा है और कितना हमारा जो प्रॉब्लम है कहाँ पर है। ये हमने लॉगिन कर लिया इसकी, देखो ये आप देख सकते हैं ऊपर, तो ये है, ये रन इन्फॉर्मेशन है, ये टोटल करंट है, और ये अपना MPPT की वोल्टेज है, और ये 5.1 एम्पीयर MPPT 26 सब दिखा रहा है। आउटपुट देखिए ग्रिड की फ्रिक्वेंसी इतनी है अपनी 50.01, और उसके बाद में टोटल एक्टिव पावर है वो ये है, और ये हमारा जो आज तक का मंथली यील्ड है वो 672 किलोवाट आवर इस महीने में बना चुका है। और करंट आप देख सकते हैं स्ट्रिंग 1 का 2.58 है, स्ट्रिंग 2 का 2.59 है, स्ट्रिंग 3 का 2.69 है, और जो स्ट्रिंग 4 है उसका 0 है। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर कि जो स्ट्रिंग हमारी 4 है वो काम नहीं कर रही है, तो ये हमने चेक करना है कि ये क्यों काम नहीं कर रही है। इसके अलावा आपको दूसरा डिवाइस जो दूसरा इन्वर्टर है ये हमारा है 20 किलोवाट का, तो 110 किलोवाट वाला है वो मैं आपको लॉगिन करके अभी दिखाता हूँ। ये जो आप 20 किलोवाट का है ये देखिए आप, इसकी कैपेसिटी वगैरह सब लिखी हुई है इसमें, और जो बाकी वार्निंग वगैरह है, और जो ये QR कोड है इस QR कोड से हम इसको लॉगिन करते हैं ब्लूटूथ से।
अब जो उसके अलावा जो हमारा दूसरा है, ये हमारा 110 किलोवाट का, यहाँ पर इसका स्टिकर था, वो स्टिकर उड़ गया है। तो हम ये जो उसका QR कोड है, इससे लॉगिन करेंगे। तो मैं आपको अभी लॉगिन करके इसका दिखाता हूँ कि इसके स्ट्रिंग हमारे कितने काम कर रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग है पैरेलल में है, यहाँ पे ये देखिए टोटल एक स्ट्रिंग हमारा है, ये और ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक नंबर लिखा है और यहाँ पे भी एक नंबर लिखा है। तो ये जो टोटल हमारे हैं, ये एक हमारा एक स्ट्रिंग है। तो ये वाला एक स्ट्रिंग और ये वाला एक स्ट्रिंग, टोटल हमारे इसमें करंट ज़्यादा होगा क्योंकि ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने पैरेलल में कर रखे हैं और ये हमारा सिंगल है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 10-10 के सीरीज में हमने टोटल 20 पैनल्स हैं और यहाँ पे हमारे 10 का स्ट्रिंग का सिर्फ सिंगल पैनल है। और इसमें हम देखेंगे करंट हमारा जो है वो क्यों एक में डबल है, एक में आधा है, वो मैं आपको भी लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये लॉगिन कर लिया है इस वाले इन्वर्टर में जो 120 किलोवाट का है। इसमें आप देख सकते हो कि अभी का जो हमारा यील्ड है, अभी जो करंटली हमारा जनरेशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है 66 किलोवाट हो रहा है, 66 यहाँ पे जो ये आज का है, और जो अभी करंट में हो रहा है वो 37 हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 37 हो रहा है, 37 किलोवाट आवर के हिसाब से हाँ जनरेट अभी कर रहा है। और इसके अलावा जो हमारा आप देख सकते हैं कि हम इसके एक एक स्ट्रिंग देखेंगे अभी, ये देखिए सारी स्ट्रिंग्स हैं। और ऊपर वाली स्ट्रिंग में आप देख सकते हो, इस वाली स्ट्रिंग में हमारा जो जनरेशन है वो वोल्टेज हमारी 545 है और जो करंट है 5.18 है। और इसमें दूसरे वाले में करंट वोल्टेज हमारी सेम है और जो करंट है कम है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस वाले ऊपर वाले में हमारा जो डबल है स्ट्रिंग्स पैरेलल कर रखी है और ये सिंगल स्ट्रिंग आ रखी है, इसलिए इसको डीसी ओवरसाइजिंग भी कहते हैं। डीसी ओवरसाइजिंग एक अलग टॉपिक है, उसको मैं किसी और उसमें कवर कर दूंगा। जो हमने ये यहाँ पे स्ट्रिंग थी हमारी टोटल चार, ये स्ट्रिंग में से एक हमने निकाली है और इसके हम वोल्टेज अगर मेजर कर रहे हैं तो हमारी वोल्टेज यहाँ पे 0 आ रही है, 0.1, यानी कि हमारा ऊपर कुछ ना कुछ जो सर्किट है वो गड़बड़ कर गया है, कोई ओपन हो गया, पैनल खराब हो गया या फिर कहीं और दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो अभी आपको मैं ऊपर चल के दिखाऊंगा। हम छत पर आ गए हैं, ये देखिए टीन शेड के ऊपर ये जो प्लांट है लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पैनल्स यहाँ पर 460 हैं और पैनल्स की आप कंडीशन देख सकते हैं कि पैनल्स कितने गंदे हो रखे हैं। ये अप्रैल और मई 2021 में प्लांट लगा था, उसके बाद में इसकी एक बार भी सफाई नहीं हुई है। परफॉर्मेंस ना आने का एक रीज़न ये भी है कि पैनल्स को साफ़ नहीं किया गया, और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जो एक स्ट्रिंग में फॉल्ट आ रखा था वो फॉल्ट है। वो क्या फॉल्ट है वो आपको दिखाऊंगा मैं। टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैनल्स है हमारी 460 है और 325 वाट का हमारा एक पैनल है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 460 × 325 तो आएगा 149.5 किलोवाट का ये प्लांट है। तो हम इसको इस तरीके से बोल देते हैं कि हाँ भाई 150 किलोवाट का है। लेकिन आप जो इन्वर्टर नीचे देखेंगे तो एक हमारा 110 किलोवाट का है, दूसरा हमारा 20 किलोवाट का है। तो उसके पीछे डीसी ओवरसाइजिंग है। डीसी ओवरसाइजिंग क्या है बता देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे वारी के पैनल्स लगे हुए हैं और हालत आप देख ही सकते हो कि पैनल्स की क्या दुर्दशा हो रखी है। जनरली ऐसा ही होता है जहाँ पर जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं उन कंपनियों की ये प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है, क्योंकि जहाँ पर सोलर जनरेशन मेन प्रायोरिटी है, जिनका बिजनेस ही सोलर जनरेशन का है वो इसकी क्लीनिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन जिनका ये सेकंड बिजनेस है वो इसके ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करते जितना हो रहा है जनरेशन होने। तो नहीं तो हम जो जिस कंपनी ने हमको परफॉर्मेंस की गारंटी दे रखी है हम उसको बुलाएंगे और उसके कान खींचेंगे और उनसे परफॉर्मेंस दिलवाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे परफॉर्मेंस के गिरने के दो रीज़न हैं, एक तो हमारा स्ट्रिंग में फॉल्ट आया है, दूसरा ये क्लीनिंग का है। अब कई व्यूअर्स मेरे से पूछेंगे हाँ भी इनको जो हमारे हैं स्ट्रिंग को पैरेलल कैसे करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ दूसरी स्ट्रिंग आ रही है, इन दोनों को हमने जॉइंट कर लिया वाई कनेक्टर के थ्रू और ये हमारा आउटपुट चला गया इन्वर्टर पर। ये जो है जो सिंगल तार है इन्वर्टर पर जा रहा है, देख सकते हैं आप जो सिंगल तार है ये इन्वर्टर पे जा रहा है, और जो ये वाला है ये दो हमारा यहाँ प्लांट से आ रहे हैं, प्लांट से मतलब सोलर प्लांट से। इधर ये पूरा दो स्ट्रिंग बन के एक में जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग वन में जो 5.18 एम्पियर करंट है और स्ट्रिंग टू में 2.72 करंट है। उसका रीज़न ये है कि ऊपर जो स्ट्रिंग वन में दो सीरीज कनेक्टेड है पैरेलल में और स्ट्रिंग टू में हमारा सिंगल कनेक्ट है। ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कितना वहाँ पे कैपेसिटी देनी है कस्टमर को और क्या हमारी रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, उसके हिसाब से ये डिज़ाइन किया जाता है।
तब से वो जो आपको मैंने बताया था कि एक स्ट्रिंग ओपन है उसको ढूंढ रहे हैं, तो उसमें फॉल्ट ये मिला है कि उसका जो एक केबल है वो ओपन है। अब वो कहाँ है वो ओपन, वो देखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है खोल दिया है, यहाँ खोल दिया है और फिर आगे भी जगह जगह पे खोलना पड़ रहा है। आज इस फॉल्ट को तो क्लियर करके ही जाएंगे जो भी है। ये आपके सामने वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस है, जो वाइट कलर का पोर्शन देख रहे हैं सबसे ऊपर। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके ऊपर डस्ट बैठ नहीं सकते किसी भी हालत में, ये एंटी डस्ट होता है और जितनी रोशनी आती है उसको सेंस करता है और आगे भेजता है। और ये जो है सबसे, जो ये बबल देख रहे हैं आप, ये इंडिकेट करता है कि हाँ भाई ये 180 डिग्री में इंस्टॉल्ड है या नहीं है, 180 डिग्री के फ्लैट सरफेस पे इंस्टॉल्ड है या नहीं। थोड़ी सी इसीलिए मैकेनिकल यहाँ पे अरेंजमेंट करा गया है ताकि हम इसको 180 डिग्री पे इंस्टॉल कर सकें। और जो इसका हमें बॉक्स लगा हुआ है ये IP68 रेटिंग का है, और किसी भी एंगल से बारिश होगी तो इसके अंदर नहीं घुसेगी और ये हमारा मॉइस्चर इसके जो सर्किट के अंदर वो नहीं पहुँचेगा। अब इसका सबसे बड़ा खास बात यह है कि हमको किसी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भी आपकी वहाँ पर रोशनी कैसी आ रही है। ये सिर्फ रोशनी को सेंस करेगा, इसको बारिश से मतलब नहीं है, इसको बादल से मतलब नहीं है। जितनी इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी ये वो मेज़र करेगा और आगे हमें भेज देगा, और हम उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाएंगे कि हाँ भाई इतनी रोशनी उस एरिया में पड़ रही है तो हमारा जनरेशन इतना होना चाहिए। वरना कोई क्लाइंट ये बोल सकता है कि हाँ भाई हमारी यहाँ पर तो रोशनी अच्छी हो रही थी और आपका जनरेशन हमारा ख़राब हुआ, परफॉर्मेंस आपकी ख़राब आई है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस लगाया जाता है। और ये नीचे क्या है इसमें और कौन सी कंपनी का है वो मैं आपको भी नीचे ले जाके दिखाऊंगा कहाँ पर हमने नीचे लगा रखा है। और ये हमारा इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इसके रियल टाइम जो है डेटा वो हमेशा सर्वर्स में सेव होता रहता है और जब भी ज़रूरत पड़े उसको फैच करके हम देख सकते हैं कि कितनी रोशनी आ रही थी और उस वक्त हमारा जनरेशन कितना आ रहा था। यहाँ पर परफॉर्मेंस नीचे आ रहा था इसीलिए विजिट प्लान किया गया कि परफॉर्मेंस नीचे आ रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा वॉटमैन का जो ये है वेदर मॉनिटरिंग डिवाइस, इसका जो काम है ये 24 आवर्स जो इरेडियंस है, जो रोशनी है, उसको जो लेवल है मेज़र करता रहता है और सर्वर भेजता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम मैच करते हैं और जो हमारा जनरेशन है उससे कंपेयर करते हैं। अगर मैच नहीं हो रहा तो फिर इसको विजिट करते हैं। तो आज हमने परफॉर्मेंस रेशियो जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व कर ली। उसमें निकला ये था कि एक हमारा जो स्ट्रिंग था वो काम नहीं कर रहा था, दूसरा जो हमारा वहाँ पे जो पैनल की क्लीनिंग नहीं हो रखी थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया उसमें एक वेदर जो है ऑप्टिमाइज़र लगा हुआ है, वेदर ऑप्टिमाइज़र नहीं, वेदर एनालाइज़र लगा हुआ है जिससे कि हम वेदर को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ भी वहाँ पर इस वक्त जो रोशनी है वो कैसी है रिस्पेक्टिव ऑफ रेन। बारिश हो रही है नहीं हो रही है उससे मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ रोशनी से, रोशनी कितनी है उस रोशनी के हिसाब से हमारा जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस कंपनी के साथ में ऐसा एग्रीमेंट नहीं था कि क्लीनिंग भी हमारे पास रहेगा, तो इन कंपनी वालों को समझा के आ गए कि हाँ भी जो आपका सिस्टम है वो परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने क्लीनिंग नहीं कर रखी। तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई अब हम क्लीन करेंगे अपना सिस्टम, वो तो वो जाने। और जो दूसरा है स्ट्रिंग का ये निकला कि एक जो पैनल था उसका जंक्शन बॉक्स ओपन हो गया था, यहाँ ये काफ़ी मतलब एक थोड़ा सुनने में आपको लग रहा होगा अलग है, मतलब हाँ जंक्शन बॉक्स उसका ओपन हो गया था। तो उसको ढूंढते ढूंढते फॉल्ट को काफ़ी टाइम लग गया, फाइनली वो हो गया, चारों स्ट्रिंग उसके काम कर रहे हैं। अब जो वो पैनल है उसको बाईपास कर दिया है, उसके बाद नया पैनल लगेगा, लेकिन ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, रिप्लेस हो जाएगा। अभी मई में ही ये प्लांट जो है वर्किंग में आया था, अप्रैल में इसका इंस्टॉलेशन शुरू हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो उसको लाइक करने बिल्कुल ना भूलना और सब्सक्राइब तो करना ही है, इसमें तो ऑप्शन आपके पास है नहीं। ये दो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, एक है नेट मीटर का कि हाँ भाई क्यों मैच नहीं करता, और दूसरा है कि टॉप 21 सोलर पैनल्स भारत के। ये मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद में वीडियो लाया था आपके लिए मैं, तो आप देख सकते हैं
कि ये 21 पैनल्स अगर आपके पैनल लिस्ट में है तो आप खुशकिस्मत है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पैनल खरीद लिए तो कोई दिक्कत नहीं, खरीदना है तो जो ये 21 पैनल है उनमें से खरीदना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।